हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्रेज में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में जिनमें भी जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, उसमें जनरल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन हमें छाड़ के इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन है, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, आतिशबाजी जो करते हैं यानी कि हम पटाखे जो चलाते हैं उसमें जो लाल रंग जो दिखाई देता है वो स्ट्रॉन्शियम की वजह से दिखाई देता है, वो तत्व तो स्ट्रॉन्शियम की वजह से दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, यहाँ आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो पटाखे चलाते हैं तो उसमें कुछ हरा रंग भी दिखाई देता है, तो वो किसकी वजह से दिखाई देता है? वो होता है बेरियम की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है, यहाँ पे उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? ठीक है फ्रेंड्स, जब उदासीनीकरण क्रिया होती है तो उसमें क्या बनता है? उसमें लवण और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि जो है वो है क्लोरोक्वीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड्स, जो डलवा लोहा होता है उसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, यहाँ पे कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स, कुकिंग गैस जो हमारे रसोई गैस जो हम यूज करते हैं उसमें ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो वो होता है हीरा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु में जो तार होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स, परमाणु भट्टी होती है उसमें यूरेनियम जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन, RDX का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि RDX की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रेंड्स, तो वह है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ये RDX का फुल नेम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, अश्रु गैस का जो है रासायनिक नाम वो है क्लोरोएसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन, DDT का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, DDT का पूर्ण रूप यानी फुल नाम जो है वो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनोल एंड ट्राइक्लोरोइथेन DDT का पूर्ण नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे अपचयन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, भारत का जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स, वायुमंडल में भारी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18, अम्ल वर्षा का मुख्य अव्यय क्या है? तो अम्ल वर्षा में मुख्यतः क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अम्ल वर्षा में आपको याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल वो मुख्य उसका अवयव होता है अम्ल वर्षा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो फ्रेंड्स, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग होता है जो सोलर कुकर को गर्म करता है? वो होता है इंफ्रारेड किरणें। सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें होती है फ्रेंड्स? तो वो होती है इंफ्रारेड किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? तो सबसे कठोरतम धातु जो है प्लेटिनम। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लेटिनम है वो सबसे कठोर धातु है।
मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट वह थोरियम का अयस्क होता है मोनोजाइट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? तो फ्रेंड्स, सोडियम धातु जो होती है उसको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि सोडियम धातु बहुत ही ज्वलनशील होती है, यह एयर में नमी पाके जल जाती है, तो इसीलिए सोडियम धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो फ्रेंड्स, मरकरी को लोहे में रखा जाता है, लोहे के जो धातु के जो पात्र बने होते हैं उनमें मरकरी को रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो फ्रेंड्स, सामान्य ट्यूबलाइट जो होती है उसमें ऑर्गन के साथ में मरकरी वेपर होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26, क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, क्वार्ट्ज होता है वो कैल्शियम सिलिकेट से बनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है? तो प्याज एवं लहसुन में जो गंध आती है वो पोटेशियम के कारण आती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 28 क्वेश्चन नंबर, सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पनीर किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, पनीर जो है वो जेल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30, पेट्रोल एक मिश्रण है किसका? हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट 31, पॉलीथीन प्राप्त होता है किसके द्वारा? एथिलीन के बहुलीकरण से। पॉलीथीन जो होता है वो एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो रेयन जो होता है उसे कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। कार्बन का क्रिस्टली रूप क्या है? तो कार्बन का क्रिस्टली रूप हीरा होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो डायनामाइट में जो होता है मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? तो वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में जो उसमें ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन होता है। फ्रेंड्स, वेल्डिंग में प्रमुखतया जो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है? तो फ्रेंड्स, अग्निशामक जो रहता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 37, रबड़ को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो कच्चा एल्यूमिनियम पाइराइट के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो वो रहती है 0.03%। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40, परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान होता है वो AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम प्रोपेन एवं ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार वो CB देसाई ने किया है। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग है वो शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से होती है। नेक्स्ट, माइका क्या है? तो माइका एक विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो शुद्ध जल का जो है क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर 212 फारेनहाइट होगा। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सोडा वाटर जो बनाया जाता है उसमें जो गैस प्रयोग किया जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें ट्रिगर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं किसमें? शीशा में। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित हैं तो किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? यानी सोने के जो आभूषण बनाए जाते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें तांबा मिलाया जाता है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो नायलॉन बनाने में जो कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है वो है एडिपिक अम्ल। नेक्स्ट,
मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो फ्रेंड्स, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, ये जो मटेरियल है इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? वो है रासायनिक परिवर्तन। 54 क्वेश्चन नंबर, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो वह है हाइड्रोजन। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना है वो अम्ल राज में घुल जाता है। माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस की तिल्ली होती है उसमें लाल फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है कौन सा होता है? टाइलिन। लार में टाइलिन पाया जाता है जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा होता है? तो वो होता है टेट्राएथिल लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम आता है, यानी शुष्क धुलाई जो करते हैं ड्राई क्लीनिंग की जाती है उसमें क्या काम आता है? बेंजीन काम आता है उसमें। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो सबसे अधिक संख्या में कार्बन जो है तत्व उसके यौगिक हैं। नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नाभिक में अस्थायी कौन सा है? तो नाभिक में अस्थायी होता है वो न्यूट्रॉन होता है। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की संरचना पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम। वसा किसमें घुलनशील होती है? वसा कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होती है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम होती है। ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो जल का शुद्धिकरण क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो होती है वो पुणे में स्थित है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? फ्रियोन का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 74। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? समुद्री जल से जो है नमक वो वाष्पीकरण विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो अक्रिय गैसों की खोज की वो रेमजे ने की थी। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है क्या होता है? खाना को पकाते वक्त सर्वाधिक मात्रा में वो होता है विटामिन। पीली फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो पीली फास्फोरस को जल में रखा जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ओजोन गैस होती है वो चांदी की सतह को काला कर देती है। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो यूरिया में जो होती है वो 47% नाइट्रोजन होती है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉच फुल वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।